नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया लाइव। एसएफआई व डीवाईएफआई ने बज्जू में सरकारी महाविद्यालय खोलने व पीपीपी मॉडल रद्द करने को लेकर उप तहसील पर प्रदर्शन कर छात्र छात्राओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसील महासचिव ओम प्रकाश पवार के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। डीवाईएफआई के सुनील गोदारे ने बताया कि बज्जू में सरकारी महाविद्यालय खोलने, पीपीपी मॉडल के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडवेज सहित क्षेत्रों का निजीकरण रद्द करने, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने, बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने, प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन शुल्क करने, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करते हुए संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आरक्षण की पालना करो, संविदा कर्मियों को स्थायी करो, शहीद भगत सिंह पार्क आवंटित करते हुए शहीद भगत सिंह व डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। जिला उपाध्यक्ष कैलाश बेनीवाल आक्रोशित होते हुए कहा कि सरकार विद्यार्थियों पर निजीकरण कर रही है। लाठी गोली के दम पर दिनों में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे राजस्थान के अंदर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व राजस्थान सरकार की होगी। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष श्रवण पुनिया, तहसील जमर, तहसील उपाध्यक्ष बनवारी गोदारा, कविता गोदारा, सुमन सोनी, प्रिया शर्मा, शंकर लाल आदि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बीकानेर से चैनल इंडिया लाइव के लिए विक्रम सिंह सिसोदिया की स्पेशल रिपोर्ट।